दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा एक बार फिर से चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानकोश। मेरा नाम विनोद बाबू। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद, जिनकी उम्र लगभग 80 के करीब है और दादी की भी उम्र लगभग 80 के करीब बताई जा रही है, पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। सीखने को मिलेगा वो बता दो आप, और लोगों को भी बताऊंगा। सीखने वाली बेटा, हमने बहुत संघर्ष किया है और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का बना रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है अंकल जी। और किसी तरह का कोई दिक्कत अंकल जी? ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी तो आपके आगे पीछे पूरे सब सारे लगे हुए जनता आपके साथ है। हाँ जी, बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद अब खुश हैं। वीडियो से पता चलता है कि बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद अब दूसरों की मदद करने के लिए कहते हैं। बात अब यहाँ तक नहीं रुकी। बाबा का ढाबा का वीडियो शूट करके यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्वाद ऑफिशियल है, जिसके ऑनर गौरव वासन बताए जाते हैं। गौरव वासन ने बाबा का ढाबा का एक वीडियो शूट करके 7 अक्टूबर को अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। रातों रात वह वीडियो वायरल हो गया था, जिससे अगले दिन से ही लोग बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और दादी की मदद करने के लिए उभर पड़े। बाबा का ढाबा के सामने बहुत से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोगों ने आर्थिक उनकी मदद भी की। बात यहाँ तक नहीं रुकी। बाबा के ढाबा के नाम से आया लाखों का फंड गया कहाँ। पहले बाबा का ये वीडियो देखिए। ऑनलाइन अभी तक कोई दे गया या नहीं दे गया? नहीं, ऑनलाइन हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है। जो भी आया कैसा आया है, और उसके अलावा हमें गौरव जी ये मना कर दिए थे किसी के अकाउंट नंबर मत दो। दूसरा बाबा, अभी तक गौरव ने पैसे दिए आपको? नहीं सर, अभी अकाउंट में अभी हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। वे गौरव ने दिए हैं ना कैश दिए ना अकाउंट में दिए। बाबा ने बताया है कि उनके नाम पर आया 20-25 लाख रुपए उनको नहीं मिला है। वीडियो में देखा कि बाबा ने केवल लगभग 2 लाख के करीब रुपए बताए हैं कि उन्हें मिले हैं, बैंक अकाउंट में नहीं मिले हैं। मामला क्या है, मसला क्या है, जानिए। स्वाद ऑफिशियल एक YouTube चैनल है जिसके ऑनर गौरव वासन है। गौरव वासन ने जब वीडियो शूट करके अपलोड किया था तो वीडियो वायरल हो गया था। लोगों ने हेल्प के लिए अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, फ़ोन नंबर मांगे, जिससे वो डोनेट कर सकें, बाबा को आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरव वासन ने अपना अकाउंट ऐड किया। अकाउंट में लोगों ने डोनेशन करना प्रारंभ किया। जब अकाउंट की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी के अकाउंट नंबर डिटेल अपलोड किए, उसके बाद अपने भाई के भी अपलोड किए। इससे पता चलता है कि गौरव वासन के अकाउंट में लगभग 20-25 लाख रुपए आए होंगे। बाबा को वो रुपये नहीं मिले। उन्होंने मालवीय नगर में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस प्रशासन अपनी छानबीन में लगी हुई है। हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बाबा का कहना है कि उनके नाम पर आया लाखों का रुपया हमें नहीं मिला है। ये भी आरोप लगाते हैं कि गौरव वासन ने अकाउंट देने से मना किया था। जीवन में साथ देने के लिए साथी, पत्नी, अर्धांगिनी का अहम रोल होता है। बाबा के 80 की उम्र के पड़ाव में उनका नाम आज फेमस हुआ। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की खबर। धन्यवाद।